वेलकम प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 21 नवंबर की वर्कशीट, इंग्लिश क्लास 10th, वर्कशीट नंबर 56। ठीक है बेटा, इसमें एनी जो है उसकी डायरी एंट्री से जो चैप्टर है उसका चैप्टर का एक पार्ट है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर, चैप्टर का ये एक्सट्रैक्ट पार्ट पढ़ना है हमें। कौन सा चैप्टर है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एंड क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। डेट है सैटरडे 20 जून 1942, डेट डाली गई है। डेयरेस्ट किटी, किटी किसको कहा है? एनी ने अपनी डायरी को। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट, पूरी क्लास जो है क्वैकिंग इन इट्स बूट। क्वैकिंग मतलब क्या होता है भाई? सरप्राइज में और बहुत ज्यादा डेस्परेटली जो है आपस में बात कर रहे हैं, चुपचाप बात कर रहे हैं पूरी की पूरी क्लास। ठीक है, और किसकी? एनी जिस क्लास में, जिस स्कूल में पढ़ती थी, तो बात करने के लिए कोई ना कोई तो टॉपिक होगा ही। तो कौन सा टॉपिक है, चलिए देखते हैं कि किस टॉपिक पे वो लोग बात कर रहे हैं। समझ में आ गया इसका? द रीजन ऑफ कोर्स इज फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू नेक्स्ट फॉर्म। रीजन क्या था टॉपिक बात करने का? क्या था कि जो आने वाली मीटिंग थी जिसमें टीचर डिसाइड करने वाले थे कि कौन मूव अप करेगा टू नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक, किसको बिठाया जाएगा। ठीक है, हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी क्लास आपस में बैट लगा रही है, बैट कर रही है। जीएन एंड आई, जीएन फ्रेंड है एनी का, एंड आई लाफ आवर सेल्फ, हम हंस रहे हैं कि सिली एट टू बॉयज, दो बॉयज पे जो हमारे पीछे बैठ के बैट लगा रहे थे वो दो बॉयज थे, सीएन एंड जैक्स। ठीक है, ये दोनों बॉयज एनी एंड जीएन के पीछे बैठे थे। Who have staked their entire holiday, पूरा holiday उन्होंने खराब कर दिया, saving on their bet, अपने bet को बचाने में। From morning to night, क्या बातें होती? Yes, you are going to pass, क्या पास होगे? बोलता नहीं मैं नहीं होऊंगा। आप पास होगे? वो कहता नहीं होऊंगा। Yes, you are, तुम होगे, मैं नहीं होऊंगा, तुम हो। यानी आपस में इसी बात को करते करते उन्होंने पूरा entire holiday खराब किया अपना। इसी टॉपिक silly thing थी, इस पे जीएन और एनी हंस रहे थे कि ये क्या बातें कर रहे हैं। इवन जीज प्लेडिंग ग्लैंस एट एंड माई एंग्री आउट बर्ड्स कैन नॉट काम देम डाउन। ठीक है, कि वो भी जो है इस चीज को बात कर रहे थे, तो मेरा जो एंग्री आउट बर्ड्स है, यानी मतलब इस तरह का मैंने गुस्सा दिखाया, चेहरा एक्शन रिएक्शन, वो भी उनको काम डाउन नहीं कर पाया। If you ask me, there are so many dummies. अगर आप बताओ तो बहुत सारे dummies हैं यहाँ पे, that about a quarter of class should be kept back. ठीक है, मतलब ये कहा जाए कि क्लास में कम से कम क्वार्टर, क्वार्टर समझते हैं ना, 1/4 पार्ट क्लास की जो है डमीज के रूप में जिनको रख देना चाहिए। लेकिन टीचर जो हैं बहुत ही मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर है अर्थ पे। ये एनी कहती है टीचर्स के लिए कि टीचर एक अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर है अर्थ पे जो है, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या कर जाए। यानी क्लास में डमीज होते हुए भी ऐसे ऐसे भी हैं बच्चे डमी के रूप में, जो डमी देखते हैं ना किस तरह से होता है कि जो बोलते नहीं है या कम है, क्वार्टर ऑफ क्लास जो है और उनको कैप्ट बैक, उनको पीछे रखना चाहिए। लेकिन टीचर क्या है, ऐसे अनप्रिडिक्टेबल प्राणी है जो कि कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी चेंज ला सकते हैं। तो ये एक पार्ट है चैप्टर का, From the diary of Annie Frank. चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं, ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन, Which term would you explain best above written record of personal experience? ये personal experience का record है, आप किस में रखना चाहेंगे, article के रूप में, letter के रूप में, diary entry या journal? तो देखिए अपनी बातें, अपनी बात कही जा रही है, अपनी सारी चीजें, तो ये diary entry में ही best suit करता है। ठीक है, क्वेश्चन दो, आइडियम्स क्वैकिंग इन बूट्स, ये वर्ड आया था ना, क्वैकिंग इन बूट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस,
इनमें से कौन से इमेजेस होता है क्वैकिंग इन बोट्स? क्वैकिंग इन बोट्स मतलब सरप्राइजिंगली, यानी पहला तो हो ही सकता है सोना, ये तो डिजिंग सो रहा है, ये तो नहीं होगा। ये थर्ड में टेंशन में भी होगा, है ना, ये तो स्माइल है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एंग्री भी नहीं है। तो परेशान होना और सरप्राइज होना, यानी वन एंड थ्री इसका ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर थ्री होगा। क्लियर हुआ? चलिए नाउ थर्ड पार्ट, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाई फैक्ट्स। फैक्ट कौन है इनमें, इन चार में से कौन से फैक्ट हैं और कौन से ओपिनियन है ऑफ द स्टूडेंट बिलो। द चिल्ड्रन आर वेटिंग एगरली फॉर देयर रिजल्ट, अपने वेट रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो ये क्या है, ये तो फैक्ट है ना, ओपिनियन तो ना है ये, ठीक है, ये फैक्ट है। आई थिंक वी ऑल टेंड टू स्पेकुलेट ड्यूरिंग सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में हमें आपस में सोचने की जरूरत है। तो ये क्या है, ओपिनियन दिया जा रहा है, राय दी जा रही है, तो ये है ओपिनियन। एनी सीम्स कॉन्फिडेंट अबाउट हर परफॉर्मेंस इजंट शी, वो अपने परफॉर्मेंस में कॉन्फिडेंट थी क्या, वो नहीं थी, तो ओपिनियन दिया जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए इस क्वेश्चन से, इन लाइनों से, इस वर्ड से पता चलता है कि अपने विचार दिए जा रहे हैं। सम स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ऑल देयर हॉलीडेज सेविंग ऑन बेटिंग, कुछ स्टूडेंट हैं सिर्फ बेटिंग में अपना पूरा दिन निकाल दिया गया है, बेटे को बचाने में। तो ये एक फैक्ट है, एक स्टेटमेंट है, एक फैक्ट है, यानी फर्स्ट और अगर हम देखें फोर्थ फैक्ट है, टू और थ्री ओपिनियन है, तो कौन सा होगा आंसर, सी आंसर होगा, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक द करेक्ट यूसेज ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर मतलब होता है वन फोर्थ पार्ट, इन चारों में से कौन सा होगा। ही वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर, ये क्वार्टर वो क्वार्टर तो नहीं है, क्वार्टर तो ये वन फोर्थ पार्ट है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। माइकल्स हॉर्स वॉन द रेस, ठीक है, ही हैज स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, नहीं, स्ट्रॉन्ग क्वाइट, ये नहीं होगा। हर मदर पील्ड एंड क्वार्टर द ग्वाड़ा, नहीं, ये भी नहीं होगा। हर स्कूल बिगिंस एट क्वार्टर पास्ट, है ना, मतलब क्वार्टर पार्ट एट मॉर्निंग, यानी सवा आठ बजे, क्वार्टर पास्ट हो गया ना, तो आठ बजे के बाद क्वार्टर हिस्सा सवा आठ बजे उसका स्कूल खुलता है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा और यहाँ पे हम क्वार्टर लिखेंगे। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट वाज हाफ ऑफ द क्लास बैटिंग अबाउट, किस बारे में बैटिंग कर रही थी, 20 से 30 वर्ड में हमें बताना है। तो हाफ ऑफ द क्लास वाज बैटिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ द क्लास, कि क्या रिजल्ट आना है, इसके बारे में बैटिंग कर रही थी। आप ये बता सकते हैं कि रिजल्ट आना था कौन सा, और फोर्थ कमिंग मीटिंग था कि हु, आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि दैट, कि जो फोर्थ कमिंग मीटिंग है कि हु विल मूव अप इन द नेक्स्ट एंड हु विल बी कैप्ट बैक। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में हम लोग ये भी ऐड करेंगे साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाई डू यू थिंक सीएन एंड जैक वर बैटिंग एंड व्हाट वाज द रीजन, वो क्यों बैटिंग कर रहे थे एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ जीएन एंड द राइटर, ठीक है। सीएन एंड जैक हैड स्टेड देयर एंटायर हॉलीडे, उन्होंने पूरे हॉलीडे इसी में बिता दिया अपनी बैट को बचाने में। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट दे ओनली आर्ग्यूड ऑन द फैक्ट कि ही वुड पास और नॉट, सिर्फ इसी बात पे बात करते थे क्या वो पास होगा कि नहीं। जीएन एंड एनी लव टू सी ऑल दिस सिली थिंग्स, उनको सारे सिली थिंग्स देखते, स्टूपिड बैट्स को देखते और वो उसके ऊपर हंसते भी थे, है ना, तो उन्हें मजा आ रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझे पूछें, देर आर सो मेनी डमीज, मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे डमीज होते हैं क्लास में, क्वार्टर क्लास जो है ऐसी होती है जो कि कैप्ट बैक बैठी रहनी चाहिए, लेकिन टीचर एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल प्राणी है और अर्थ पे, ये स्टेटमेंट आई थी कि नहीं आई थी लाइन में, तो व्हाट डू यू थिंक एनी वांट्स टू एक्सप्रेस, वो क्या कहना चाहते हैं स्टेटमेंट के थ्रू, 100 से 150 वर्ड में आपको बताना है। तो ये लाइन जो बोली गई, इस लाइन को पूरा लिखेंगे, हम बताएंगे एनी इज राइट इन सेइंग दिस स्टेटमेंट, एनी जो है ये स्टेटमेंट सही कह रही है, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनी मिस्टर किसिंग इज क्वाइट लाइक दिस, मिस्टर किसिंग जो थे उनके टीचर थे वो उसी की तरह थे,
कुछ अनप्रिडिक्टेबल ही थे एंड नोबडी कैन प्रिडिक्ट अबाउट हिम, कोई उनके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। मिस्टर किसिंग वॉज एक्चुअली एन अनप्रिडिक्टेबल टीचर एज ही डिड नॉट स्कोल्ड, अनप्रिडिक्टेबल टीचर थे, ना तो एनी को डांटे ना उन्होंने उनको पनिश किया कि वो इतना ज्यादा बात करती थी, कई बार वार्निंग दी गई और बल्कि क्या करा उन्होंने उसको ऐसे दे दिया पनिशमेंट के रूप में, ऐसे लिख के आओ। एंड ही टॉक्ड इन द क्लास, वो क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी। फिर उसके टीचर ने असाइन दिया, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक दिया एनी को कि लो तुम लिखो, विच नो वन कुड प्रिडिक्ट, जो कि और हम सोच नहीं सकते कि एज अ टीचर कोई जो है इस तरह से दे सकता है एज ए पनिशमेंट, क्या ये हो सकती है। इवन ही ऑल्सो रेड हर एसे, जो वो ऐसे लिख के लाई थी उसको क्लास में भी उन्होंने पढ़ा था। अभी स्टोरी को पढ़िएगा उसमें मिलेगा आपको ये। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हर सिली आर्ग्यूमेंट, जो उसके आर्ग्यूमेंट थे, जो उसमें तथ्य लिखे थे उसने एसे में, उससे वो बहुत प्रभावित हुए थे। ही वॉज नॉट लाइक अदर टीचर, दूसरे टीचर की तरह नहीं थे जो कि चाइल्ड कोई उनको मजाक उड़ाए और वो ठीक है, बल्कि इजिली डाइजेस्ट कर जाते थे टीचर जो है मेकिंग जो टीचर का मजाक उड़ाया जा रहा बच्चे के द्वारा, तो है ना, हु कुड नॉट लगा देना, दूसरे टीचर डाइजेस्ट नहीं कर पाते ना, टीचर बच्चे का, बच्चा जो है टीचर का मजाक उड़ा रहा है लेकिन उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया, क्लास में भी पढ़ा। मिस्टर किसिंग वॉज डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर, वो डिफरेंट तरह के टीचर थे। ही वॉज नॉट एंग्री विद एनी, एनी से वो नाराज नहीं हुए इंस्पाइट ऑफ सिली मिस्टेक, जबकि उसने इतनी मिस्टेक की थी। एट लास्ट ही इवन डिड नॉट, ही अलाउड एनी, उन्होंने एनी को अलाउ कर दिया क्लास में बोलने के लिए और उसके बाद उसे एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया था। तो इस तरह से देखा जाए तो एग्जाम्पल मिस्टर किसिंग का लिया गया है एज अ टीचर के अनप्रेडिक्टेबल थे। आप भी बताइएगा कमेंट में कि क्या ऐसे कोई टीचर हैं आपके प्यारे जो इस तरह के हों कि बच्चे में ही चेंज ले आए और कुछ अलग हटके हों। अपने प्यारे से टीचर का नाम बताइएगा जिनमें जिनकी खासियत आपको बहुत पसंद है अपने और आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं वो टीचर, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, हमसे भी शेयर कीजिए कि उनकी क्या एक क्वालिटी आपको अच्छी लगती है। नाम मत बताइए, आप क्वालिटी बताइए कि उनमें क्या अच्छा लगा आपके अंदर, ठीक है। आप अपने टीचर की क्वालिटी हमें कमेंट में बता सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगा। टेक केयर, बाय बाय, शेयर सब्सक्राइब करना ना।